नमस्कार दर्शकों, राजधानी लाइव से मैं हूं कलश आपके साथ और स्वागत है आपका पांच के पंच में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की पांच बड़ी खबरों पर। पांच का पहला पंच है पॉलिटिक्स का। जी हाँ, कोलकाता में यदि किसी को गुजराती व्यंजनों का लुफ्त उठाना होता है तो वो सीधे भवानीपुर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुजराती रहते ही नहीं बल्कि यहाँ के पकवानों में भी गुजरात की महक है। अब इसी भवानीपुर से ममता बनर्जी 30 सितंबर को उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम भवानीपुर सीट से विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले शोभन देव चट्टोपाध्याय और सीएम ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। विधानसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैनात कर दिए गए और दीदी की स्कीम्स का भी प्रचार शुरू हो चुका है। इस बार टीएमसी की कोशिश दीदी को लाख वोटों के मार्जिन से जिताने की है। वहीं बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस अब तक अपने कैबिनेट का नाम तक तय नहीं कर पाई। पांच के पांच में दूसरी खबर, देश विदेश से है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर जारी। उत्तराखंड में देहरादून रानी पोखरी ऋषिकेश को जोड़ने वाला टेम्पररी पुल सोमवार रात जाखन नदी के तेज बहाव से बह गया। यहाँ 27 अगस्त को मुख्य पुल बह गया था। लोगों को आ रही परेशानी को देखते हुए नदी पर एक वैकल्पिक पुल बनाया गया, जिस पर रविवार शाम को ही आवागमन चालू हुआ था। वह पुल भी बीते रात बह गया। पुल बहने के बाद ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। यहां से घूमकर जाने वालों को ज्यादा दूरी भी तय करनी पड़ती है। पांच के पंच में तीसरे स्पोर्ट्स से जुड़ी, जहाँ टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में ओवल टेस्ट जीत कर देश को फक्र का मौका दिया। वहीं पर बीसीसीआई टीम के कोच रवि शास्त्री और कैप्टन विराट कोहली से नाराज बताया जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते शास्त्री और विराट लंदन में एक भीड़भाड़ वाले इवेंट में शामिल हुए थे। इसके बाद रविवार को शास्त्री कोरोना संक्रमित हो गए। सोशल मीडिया पर आई इस इवेंट की फोटोज बीसीसीआई के साथ शेयर की गई। बोर्ड इस मामले की जांच करेगा। शास्त्री और कोहली से भी जवाब मांगा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस घटना से बोर्ड शर्मसार महसूस कर रहा है। इस मामले में बोर्ड टीम के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर गिरीश डोंगरे के रोल भी की जांच कर रही है। बीसीसीआई अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ लगातार संपर्क में है और ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी। पांच के पंच में चौथी खबर है बीटाउन इंडस्ट्रीज से, जिसमें टीवी रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी से बीते रविवार को भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अक्षरा के साथ साथ सिंगर मिलिंद गावा को भी शो से बाहर कर दिया गया। इस शॉकिंग डबल एलिमिनेशन ने हर किसी को हैरान कर दिया है। खुद अक्षरा ने भी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी शो से बाहर हो जाएंगी। उनके एलिमिनेशन से पहले शो के होस्ट करण जौहर ने अक्षरा से फैंस के पूछे गए सवालों पर जवाब मांगा। शो से बाहर होने के बाद अक्षरा सिंह खासी हैरान और परेशान है। उन्होंने शो के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए। पांच के पांच में पांचवी और आखिरी खबर है बिजनेस से जुड़ी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस महीने के आखिरी तक इसे रिन्यू करा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने आदेश जारी किया था कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट 3 सितंबर तक मान्य रहेंगे। पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी। सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पांच के पांच में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।